गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। डियर स्टूडेंट, कई दिनों के बाद अभी आपके लिए एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है और ये वीडियो उन सभी एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए जो राजस्थान विश्वविद्यालय से जो एमए का एग्जाम दे रहे हैं इस वर्ष 2022 में, और जो मत्स्य यूनिवर्सिटी से हैं, अलवर की जिनकी यूनिवर्सिटी लगती है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, एमडीएस यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, स्पेशली राजस्थान विश्वविद्यालय, शेखावाटी, मोहनलाल सुखाड़िया और अलवर यूनिवर्सिटी, ये सारे विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए आज अपन इसमें एमए प्रीवियस का पेपर सेकंड और पेपर थर्ड का सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखो मैं पहले क्लियर कर दूं, इस बार आपको 50% पेपर क्लियर करना है, ये आपके दिया जा चुका है और आपको इसका नोटिस भी मिल चुका है या आप इसके बारे में जान चुके हैं। अब ध्यान रहे हमें 50% पेपर करना है, तो एक्सप्लेनेशन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। आपका पूरा पेपर आएगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन कंटेम्प्ट करना है, 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि 2.5 क्वेश्चन में करके आ जाऊं 50% दे रखा, तो आपको पूरे 3 क्वेश्चन करने हैं। मैं बात करना चाहूंगा एमए प्रीवियस के सेकंड और थर्ड पेपर के सेक्शन ए की। तो कई विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे हैं, तो आपका जो सेकंड पेपर है एमए प्रीवियस का में, उसमें किंग लियर का है, विलियम शेक्सपियर का, और ये मार्लो का डॉक्टर फस्टस है, और विलियम शेक्सपियर का ही टेम्पेस्ट है। ये 3 है आपका, या तो किंग लियर से ट्रेजेडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, या डॉक्टर फास्टस का ट्रेजिक हीरो का, या टेम्पेस्ट का रोमांस एंड रियलिज्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रहे मैंने फिर कहा है, बिना पॉइंट के आप नहीं बनाएंगे। राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी लिखते हुए ये 4 पॉइंट तो तीनों में सेम लिखना है। इसके बाद जो वो पूछ रहा है, जैसे कि किंग लियर के कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए, फिर ट्रेजिक हीरो कैसे है, इसमें किंग लियर के साथ में क्या ट्रेजेडी हुई, क्योंकि इसमें क्या 2 प्लॉट चलते हैं, किंग लियर का प्लॉट जिसमें किंग लियर के 3 डॉटर हैं, और क्या नाम है इसका, जो ग्लौकेस्टर जो रहता है उसका भी प्लॉट इसमें चलता है, इसके 2 बेटे हैं एडमंड और एडगर, ये 2 प्लॉट चलते हैं। तो आप इन दोनों प्लॉट को लेकर के इसके बारे में लिखे। अब यहाँ पे किंग लियर के ट्रेजिक हीरो है, और जो क्या नाम है आपका दूसरा कैरेक्टर ग्लौकेस्टर, ये भी आपका ट्रेजिक हीरो है, क्योंकि उसी के बेटे एडमंड के द्वारा जो इलीगल चाइल्ड रहता है वो कोनरल ट्रिगन के साथ मिलकर उसकी आंखें फोड़ देता है, उधर लियर पागल हो जाता है, उधर जो ग्लौकेस्टर रहता है उसे एडगर बचाता है और इसे कैंट बचाता है। तो ये क्या ट्रेजेडीज होती है, तो किंग लियर की ट्रेजेडी भी लिखो, ग्लौकेस्टर के साथ क्या ट्रेजेडी हुई, और गोनरिल और रीगन जिन्होंने एक दूसरे को बहुत अधिक चाहा, लेकिन यहां पर एक सुसाइड कर लेती है और एक जो है वो खुद मर जाती है। यहां पर इस तरह की कहानी को इसमें बताया गया, क्योंकि खुद कैसे मरती है, क्योंकि जो बड़ी बहन जो रहती है गोनरिल, वो मरने से पहले रीगन के उसमें जहर मिला देती है, और कोर्डेलिया अपने पिता को बचाते हुए एडमंड के आदेश से उसे मार दिया जाता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से एक ट्रेजिक उस पर दिखाया गया है। तो आप 4 पॉइंट कैरेक्टरों के साथ साथ ट्रेजिक जो भी ट्रेजिडी हुई है उसे बताते हुए कंक्लूजन क्रिटिकल कमेंट तक पहुंचेंगे। याद रहे पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव करते हुए लिखेंगे, और डॉक्टर फस्टस में, डॉक्टर फस्टस की जो एक ओवर एम्बिशियस नेचर का पर्सन रहता है, जो अधिक पैसे कमाना चाहता है, अच्छी लाइफ जीना चाहता है, उसे मेफिस्टोफिल्स के द्वारा उसकी आत्मा को कैद कर लिया जाता है और उसे विवश किया जाता है वो सारे काम जो ईश्वर के विरुद्ध है वो काम करवाने के। अंत में डॉक्टर फस्टस से उब जाता है और बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो एक रिलीजियस थीम को बताने वाला एक हीरो, इसमें एक ट्रेजिक हीरो के रूप में यहाँ पे डॉक्टर फस्टस को बताया गया है, ठीक है। और टेम्पेस्ट में देखो, टेम्पेस्ट में भी 2 प्लॉट चलते हैं, यहाँ पर है प्रोस्पेरो का और एक है अलोंसो का। प्रोस्पेरो की बेटी है मिरांडा, इसका भाई एंटोनियो जो इससे दगाबाजी करता है, एरियल जिसकी आत्मा को पकड़ के रखता है, केलिबन इसका साथी है, गोंजेलो भी इसका साथी है, ट्रिंकलो और स्टेपनो ये इसी के आदेश पे काम करते हैं, जो एक जेस्टर है और एक ड्रंकन मैन है। अलोंसो इसका बेटा फर्डिनेंड और सेबेस्टियन, अलोंसो ने अपने भाई सेबेस्टियन और एंटोनियो के साथ मिलकर के प्रोस्पेरो के साथ गद्दारी करते हैं और उसका राज्य हड़प लेते हैं। गोंजेलो के द्वारा प्रोस्पेरो की जिंदगी बचाई जाती है और प्रोस्पेरो फिर एक जादू का प्रभाव करके
इनके इनके जो जहाज है उसे नष्ट कर दिया जाता है, और फिर इस प्रकार इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चलती है। और इसमें रोमांस को भी बताया गया है, क्योंकि फर्डिनेंड जब पहली बार मिरांडा से मिलता है तो इससे मोहब्बत कर बैठता है। फर्डिनेंड अब मिरांडा से शादी करना चाहता है, इसका फायदा जो है प्रोस्पेरो उठाता है। वो किस तरह का फायदा उठाता है, जब आप इसका रोमांस और रियलिज्म को आप जब बताएंगे तब ये सारी चीजें आपको इसमें डिफाइन करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेक्शन है इसमें कंप्लीट होगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन करना है, तो याद रहे डॉक्टर फास्टस थोड़ा सा आपको परेशान कर देने वाला, क्योंकि इसके लैंग्वेज जो थोड़ा है डिफिकल्ट। आप किंगलियर और टेम्पेस्ट को लर्न कीजिए, डेफिनेटली मैं 101% कह रहा हूं दोनों का प्रश्न आएगा, और आपके लिए दोनों प्रश्न जो है बहुत इजी होंगे, करना आसान रहेगा। कई बच्चे करते हैं सर मैं सेक्शन ए के भी सारे क्वेश्चन कर सकता हूं, कर सकते हो, कोई बात देता नहीं है, आप सारे प्रश्न कर सकते हो, बस 3 प्रश्न आपको अटेंड करना है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 3 की, सेक्शन ए में। देखो इसके थॉमस ग्रे की पोएम्स आपके इसमें, थॉमस ग्रे की एलेज रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड है, एलेज रिटन इन इटोन कॉलेज है, और ऑन माय फेवरेट कैट डेथ इसके ऊपर है। थॉमस ग्रे जो है अपनी एलेजी कविताओं के लिए जाना जाता है। तो जब आप इसके बारे में लिखें तो आप राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी तो आप लिखेंगे, और जो एलर्जी जो इसमें बताई गई है वो एलर्जी लिखें आपके, जैसे कि इसमें आने की जो संभावना है वो एलर्जी रिटर्न सॉरी एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट पे आएगी, जिसमें किस प्रकार इसने एक सटायर किया है उन औरतों के ऊपर जो औरतें सोने चांदी के पीछे पागल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्ली शैली मार आती है वो भी उन गोल्डन फिशेज को देख करके वह उसमें टंबल होकर गिर जाती है और वो मर जाती है। तो किस प्रकार से इसने उसमें सटायर किया है, याद रहे आपके जो इसमें आने की जो संभावना है या तो आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट पे पूछेगा, या पूरी तीनों कविताओं का एक प्रश्न पूछेगा इसमें, तो उस एलर्जी को आपको इसमें दिखाना है। और कोलिंस की बहुत अच्छी कविताएं हैं दो इसमें, ऑल टू सिंपलिसिटी और ऑल टू इवनिंग, दोनों में रोमांस को बताया गया है। सिंपलिसिटी का वर्णन भी यहां पर कई तरीकों से करता है भाई, और उसमें जो है जो ऑल टू इवनिंग है उसमें भी वह इवनिंग का जो है बहुत ही सुंदर वर्णन करता है, और किस प्रकार वो पेस्टोरल ब्यूटी को इवनिंग में दिखाता है, और किस प्रकार इसमें मॉडर्निटी और सोशलिज्म को सिंपलिसिटी में दिखाता है। तो दोनों कविताओं या तो दोनों कविताओं का एक प्रश्न पूछेगा, दोनों कविताओं का एक प्रश्न पूछेगा, तो रोमांस से या पेस्टोरल ब्यूटी से लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर दोनों में से किसी एक का आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा। और इसमें शेरेडियन का राइवल्स भी है। मैं चाहता हूं कि अगर इन तीनों में से आप सेलेक्ट करो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थॉमस ग्रे की जो पोएम्स है एलर्जी, और कोलिंस की जो दोनों कविताएं हैं जिस पर रोमांस और पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाया गया, आप उसे लर्न कीजिए। तो ये आपका एक ओवरव्यू है पेपर 2 और पेपर 3 का, सेक्शन ए का, ठीक है। अब इनसे संबंधित किसी बच्चों को कोई दिक्कत है वो लिखने में किसी में, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं उन सभी छात्रों को सूचित कर रहा हूं जिनकी तैयारी अधूरी है, जो इनको कर नहीं पा रहे, जिनके पास मैटर नहीं है, जो दूर दराज के इलाकों में है, तो हमारी कोचिंग से उन्हें नोट्स प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स उन्हें प्राप्त होंगे, जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा उन्हें लिखना है। और मैं उन्हें प्रोमो क्लास भी दूंगा जिसमें मैं उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर के उन्हें पूरे पेपर के बारे में समझाऊंगा। जिस भी बच्चे को नोट्स लेने हैं वो मुझसे संपर्क कर सकता है 9928669902, ये मेरा फोन नंबर है, या 8963043837 पे संपर्क करके वो मेरे से नोट्स प्राप्त कर सकता है। और नोट्स ही नहीं मैं उसे पूरा कोऑपरेट करूंगा, मैं उसे पूरी तरह समझाऊंगा, एग्जाम तक मैं उनके साथ रहूंगा कि किस तरह से उसे पूरा आंसर कंप्लीट करते हुए किस तरह से उसे लिखना है और कैसे उसे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।